मध्य भारत में कैंसर मरीजों के लिए वरदान साबित माने जाने वाले जामठा स्थित धर्मादाय तत्व पर आधारित राष्ट्रीय कर्क रोग संस्था का लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के हाथों गुरुवार को किया गया। इस लोकार्पण समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और उद्योगपति गौतम अदानी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नागपुर दौरा रद्द हो गया, जिस कारण वे गुरुवार को लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए थे। आवास भत्ते सेवा व अनुसंधान संस्था द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कर्क रोग संस्था के परिसर में सुबह 10:30 बजे लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। 25 एकड़ में फैली संस्था में 470 बेड की व्यवस्था है। 18 अगस्त 2012 को संस्था के निर्माण की घोषणा की गई थी, तो वहीं 28 फरवरी 2015 को तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों भूमि पूजन किया गया, जबकि 2017 में पहले का लोकार्पण पद्म विभूषण उद्योगपति रतन टाटा के हाथों हुआ था। 2018 में 27 बाल रुग्णों के लिए स्वतंत्र वार्ड शुरू किया गया। यहाँ पर पहले दिन से जिन्होंने सारी मेडिकल फैसिलिटी प्लानिंग डिज़ाइनिंग और कल्टीवेट करने में परिश्रम लिया, ऐसे डॉक्टर आनंद पाठक जी मंच पर उपस्थित, हमारे अजय जी, आनंद जी, ललित जी यहाँ पर विशेष रूप से पधारे हुए, हमारे सभी आश्रयदाता दानदाता और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट पे जिन्होंने बहुत प्यार किया, ऐसे सभी महानुभाव और उपस्थित मेरी पत्नी अमृता और सभी बहनों और भाइयों, आज ये बहुत ही विशेष दिवस हम सब के लिए है, क्योंकि 25-30 साल पहले एक स्वप्न हम लोगों ने देखा था कि नागपुर में और मध्य भारत में एक बहुत अच्छा कैंसर इंस्टीट्यूट बने। अनेक हमारे प्रिय कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जिनको कैंसर के कारण उनके जीवन समाप्त हुआ, यह हमने देखा है। शैलेश जी के भी जीवन में, उनकी पत्नी को भी इसी प्रकार की बीमारी आई और दोनों ने भावनात्मक रूप से ये देखा था कि कैंसर होने के बाद परिवार पर क्या प्रकार की बीतती है। गंगाधर राव का भी उदाहरण हम सबने सामने देखा और शैलेश जी ने भी इसका अनुभव किया, तो इस हॉस्पिटल के साथ दोनों का एक इमोशनल भावनात्मक संबंध है और वो संबंध बहुत ही पिताजी के कारण देवेंद्र जी के मन में ये भाव आया कि इसमें कुछ करना चाहिए, और शैलेश जी के भी मन में भावना थी और विलास जी का मार्गदर्शन, इसके बाद में ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन तैयार हुई है। ये बात जरूर है कि अमेरिका में 33% कैंसर के रुग्ण जो है उनकी संख्या में कमी हुई है, और भारत में मरने वालों की संख्या जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है और कैंसर का फैलाव भी हो रहा है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से कैंसर होने के पहले उसका डायग्नोसिस होना और उसके ऊपर उपाय योजना ये अतिशय आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना कुछ पार्ट, यहाँ से लोगों के लिए टाटा कैंसर जैसी ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सेवा देकर, सही में मैं यहाँ की जनता की ओर से ये जो उन्होंने उपलब्ध की हुई स्टेट ऑफ आर्ट सेवा है, इसके लिए देवेंद्र जी को और उनके नेतृत्व में काम करने वाले पूरी टीम को जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी सुविधा हुई है। जी, परम पूज्य, परम आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत साहेब, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री आणि आमचे सर्वांचे आवडते नेते नितिन गडकरी साहेब आणि आमचे सहकारी महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी,
प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी, सुनील मनोहरजी, अजय संचेतीजी, सुनील देशपांडेजी, शैलेश जोगळेकरजी, आनंद औरंगाबादकर, ललित टेकचंदानी, डॉक्टर आनंद पाठक, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर, अमृताताई पण आहेत, आणि या भव्य दिव्य अशा कॅन्सर हॉस्पिटलला ज्यांनी सहकार्य केलं ते सर्व मान्यवर उपस्थित बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, खरं म्हणजे समाजाला अतिशय नितांत गरज असलेल्या अशा नॅशनल कॅन्सर हॉस्पिटलचं आज लोकार्पण झालेलं आहे. मी या कार्यक्रमाला मनापासून शुभेच्छा देतो आणि अतिशय अप्रतिम अशा या कॅन्सर इन्स्टिट्यूटच्या या उभारणीमध्ये ज्यांच्या संकल्पनेतून, ज्यांच्या कष्टातून, मेहनतीतून हे भव्य दिव्य असं कॅन्सर हॉस्पिटल उभं राहिलं, ते माझे सहकारी देवेंद्रजी यांचं आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मनापासून मी अभिनंदन करतो. बीच का कुछ कोरोना का कालखंड गया इसलिए थोड़ा अधिक समय लगा, परंतु एक उत्तम प्रकल्प, समाज की आवश्यकता पूर्ण करने वाला प्रकल्प, मन की भावना से जिसको खड़ा किया गया है, ऐसा प्रकल्प यहां पर खड़ा हुआ है. और इसलिए आशीर्वाद इस शब्द का उपयोग किया गया, परंतु पहला शब्द मेरे मन में आता है शाबाश. संघ के स्वयंसेवक कुछ ऐसा जब काम करते हैं, मिलकर करते हैं, उत्तम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. कैसा अच्छा लगता है वो संघ के स्वयंसेवक ही जाने. पटना में था तब, वहां पर एक विमान गिर गया बस्ती में ही आके. कुछ साल पहले की घटना याद आती होगी आप लोगों को. तो सीधा प्रभात शाखाओं को विकिरण देकर सबसे पहले वहां स्वयंसेवक पहुंचे, उन्होंने वहां सारी मदद की और इतना अच्छा काम किया कि बाद में शरद यादव जी मंत्री थे उस समय, नागरिक उड्डयन मंत्री, वो आए तुरंत और वो ब्लैक बॉक्स की खोज चल रही थी. वहाँ मिलिट्री के लोगों को उन्होंने बताया कि वो जो हैप पैंट आप पहन के आने वाले लोग हैं ना, उनको आप आने दो, क्योंकि उनके आने से ब्लैक बॉक्स जल्दी मिलेगा. तो ये सुनकर और उन्होंने जो काम किया उसको देखकर, मैं वहाँ था उस समय, तो मुझे बहुत कृतकृत्यता का अनुभव हुआ. ऐसा ही आज मुझे लग रहा है, क्योंकि ये कहा गया कि इस प्रकल्प के पीछे संघ खड़ा है, लेकिन संघ खड़ा क्या है, करने वाले संघ होकर काम करते हैं तो अपने आप संघ उसके पीछे खड़ा हो जाता है. और स्वयंसेवक के टीम वर्क का एक उत्तम उदाहरण इस नाते मैं इसको देखता हूं. एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट.